गाइस वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम बात करने वाले हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट टू कूल। तो इसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्ट वन अ बेकर फ्रॉम गोवा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा, यू कुड गो देयर एंड वॉच इट। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ग्लिम्सेस ऑफ पार्ट टू, जिसमें इंडिया की झलक देखने को हमें मिलेगा कूल, विच इज रिटन बाय लोकेश एब्रोड। तो अगर हम कूल की बात करें, या इसको कोडागु भी कहते हैं, जो कर्नाटका स्टेट की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कहा जाता है कि इट इज समवेयर बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा जो कि जन्नत का टुकड़ा है, जो खुद खुदा की बादशाहत से दुनिया में आया। ऐसा लगता है कि खुद ऊपर वाले ने इसे बसा दिया है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी जगह है। और कर्नाटका स्टेट की सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ये एक कॉफी स्टेट है और ये बहुत ज्यादा फेमस है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए। हर वक्त यहाँ सदाबहार जंगल आपको देखा जा सकता है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया सिर्फ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर हुआ है और यहाँ बारिश भी काफी ज्यादा होती है। उस वक्त विजिटर्स काफी दूर भी रहते हैं और जो यहाँ सबसे अच्छा मौसम होता है द सीजन ऑफ जॉय, जो मौसम में बहार जो शुरू होता है वो सितंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है। और यहाँ के लोग जो है प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन है, ब्यूटीफुल वेमेन एंड वाइल्ड लाइफ क्रिएचर बड़ी आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। और एक और खासियत जो यहाँ के जो लोग बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट है, जापान लोग हैं। और कहा जाता है कि इनके पूर्वज या तो ग्रीक के हैं या अरब के हैं, या तो ये ग्रीस से हैं या अरब है, ग्रीक और अरबिक से बताया जाता है। तो एक स्टोरी चलती है, वो कहानी ये है कि अलेक्जेंडर की एक आर्मी इस डिस्ट्रिक्ट के साउथ में आया था, यानी कूल के साउथ एरिया में आया था, और किसी वजह से वो नहीं जा पाया क्योंकि जब जाना मुश्किल हो गया, लौटना मुश्किल हो गया, तो वो लोग यहीं ठहर गए और यहीं रुक गए। और जाना मुश्किल हो गया तो वो लोग यहीं ठहर गए थे और जिसकी वजह से उन लोगों ने कूल के लोकल ट्राइब से शादी कर ली और उनका कल्चर और इनका कल्चर दोनों आपस में मिल सक गया, जो आज भी कूल के कल्चर में अपेरेंटली देखा जा सकता है, जो कि हिंदू मेनस्ट्रीम से अलग है और ग्रीस यानी ग्रीक का कल्चर आसानी से देखा जा सकता है। दोनों की रीति रिवाज और रीजनल राइट्स वगैरह जो है, रिचुअल्स वगैरह जो है, वो सब आसानी से देखा जा सकता है इस कूल के कल्चर में। अगर हम अरब की बात करें तो ये लोग एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं और उस लॉन्ग फ्रॉक के इनके कमर पे एक बेल्ट होता है जो कि एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, जिसपे जरी का वर्क होता है, जो कि अरब के कुफिया लोग पहनते हैं और यहाँ के लोगों को कुफिया कहा जाता है जो उसे पहनते हैं। तो इस तरीके से गेस किया जाता है कि शायद इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं, या तो ये डिसेंट हुए हैं ग्रीक से या अरब से। और काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा अच्छा एरिया है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का जो नदी में जो पानी यहाँ के रिवर्स में वो आते हैं, वो कावेरी रिवर से आते हैं। काफी बड़ा एरिया है यहाँ, आपको स्क्वायरल और लंगूर बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं और वो लोग आधे अधूरे फलों को खाते हैं, पानियों में फेंकते हैं, उनके छपाक का आनंद लेते हैं। हाथियों को जब उनके महाबत नहलाते हैं तो वो भी बड़ी मजे से नहाते हैं। और जो यहाँ की अगर हम इंडियन रेजिमेंट की बात करें, अगर एक बटालियन इंडियन आर्मी के रेजिमेंट की बात करें, तो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन रेजिमेंट में यहाँ के लोग यानी कूल के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा सजे हुए दिखते हैं। और अगर यहाँ के पहले इंडियन जनरल आर्मी की बात की जाए तो वो भी एक कूल की तरह, फर्स्ट इंडियन जनरल आर्मी पर जनरल करियप्पा जो कि एक कूर्गी था। और यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनको फायर आर्म्स रखने की इजाजत है, सिर्फ यही एक ऐसे लोग हैं, दे आर ओनली परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के उनको फायर आर्म्स रखने की इजाजत है। यहाँ के लोगों का एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का। जब भी लोग विजिटर्स यहाँ घूमने आते हैं, इस जगह को देखने आते हैं, तो यहाँ के लोग उनको बड़े शौक से अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने बाप दादाओं के जो शहीद हो चुके हैं, जो मार्टियर हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं और लोगों को समझाते हैं। यहाँ के जब लोग जो नॉर्मल लोग हैं जब इस जगह आते हैं तो वो नॉर्मल रहकर नहीं जाते, वो बड़े एडवेंचरस बन जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सी नई नई चीजों को सिखाया जाता है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारी चीजों को दिखाई जाती है, समझाई जाती है। और जब उन एरिया से, उन जंगलों से, कुछ हिली एरिया से, कुछ जंगलों से जब भी गुजरते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ के लोग मालवा स्क्वायरल्स, लंगूर और वाइल्ड एलिफेंट को भी देखते हैं, जो कि हर वक्त आप पे एक नजर रखे हुए रहते हैं, जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर यहाँ का जो क्लाइंब हिली एरिया है, जो निसार धाम तक जाता है, जो कि 64 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, वहां से मॉम का एक बहुत बड़ा सेटलमेंट जो तिब्बत की तरफ आता है वो आसानी से देखा जा सकता है।
और ऐसा लगता है कि जैसे खुदा का, कुदरत का, भगवान का एक बोनस है, एक खूबसूरती है जो इस एरिया में दिया गया है। और बहुत सी चीज आज भी यहाँ ढूंढी जाती है और महसूस की जाती है। वो लोग जो इंडिया का हार्ट और सोल ढूंढने के लिए आते हैं, वो विजिटर जो दूसरे कंट्री से इंडिया का हार्ट और सोल ढूंढने के लिए और समझने के लिए आते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर का समरी समझ में आएगा। कूल बेसिकली उस स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के रिचुअल्स के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, कस्टम, और वहाँ की किस तरह की एडवेंचर चीजें लोग करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया। सो ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू और समराइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।